अरे नीचे जी कहता है आंख में धुआं, हाथ में चीलम, आंख में धुआं। चीलम पर बात करिए, चीलम पर चलेगा। नीतीश कुमार जी जब तक चीलम ना चढ़ाइए तबले वो विधानसभा में अंदर ना बैठिए। जब से जेडीयू ने एनडीए से नाता तोड़ा है तब से ही बीजेपी के नेता सीएम नीतीश कुमार पर आक्रामक है। इसी कड़ी में शनिवार को रामनगर से भाजपा विधायक भागीरथी देवी ने सीएम नीतीश पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार गांजा पीकर विधानसभा पहुंचते हैं, उनके पास चांदी का चिलम है। शनिवार को रामनगर में प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भागीरथी देवी 5 बार लगातार विधायक रही। उन्होंने नीतीश कुमार को चिलम छाप बताते हुए कहा, नीतीश कुमार गांजा चढ़ाकर सदन में पहुंचते हैं, बीच बीच में सदन से गायब हो जाते हैं, इस दरमियान वह गांजा पीने जाते हैं। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार क्या बतियाएंगे, उनके हाथ में चिलम और आंख में धुआं है। नीतीश कुमार जब तक चिलम नहीं चढ़ाते हैं विधानसभा में नहीं आकर बैठते हैं। भागीरथी देवी यहीं नहीं रुकी, उन्होंने कहा, नीतीश जी चांदी का चिलम रखते हैं, उसी से गांजा पीते हैं। इस दौरान भाजपा के अन्य नेता भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। सबने अपने सलीके से उपस्थित लोगों के बीच अपने बातों को रखा। किसी ने नीतीश कुमार को पलटू राम कहा तो किसी ने समय का यार बताया। वहीं उनके इस बयान पर जदयू के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री नीरज सिंह ने कहा कि सत्ता के हटने के वियोग में भाजपा अलबलाई हुई है, इसलिए भागीरथी देवी इस तरह की बात कर रही है। बता दे, 2 महीने पहले भागीरथी देवी ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति और प्रदेश कार्य समिति के पदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था कि पार्टी के क्रियाकलापों से परेशान होकर इस्तीफा दे रही है। उनका आरोप था कि उनको दलित समझकर पार्टी के नेता पूछते नहीं हैं, उनकी राय नहीं लेते हैं, उनको तवज्जो नहीं देते हैं। भागीरथी ने कहा था कि मेरी परेशानी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जानते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, दलित समझकर मुझे परेशान किया जाता है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मेरे लिए भगवान है, उनके साथ मैं हूँ, उन्होंने मुझे पद्मश्री दिया था, लेकिन संगठन के किसी पद पर नहीं रहूंगी। अरे नीचे जी कहता आंख में धुआं, हाथ में चीलम, आंख में धुआं। चीलम पर बात करिए, चीलम पर चलेगा। नीतीश कुमार जी जब तक चीलम ना चढ़ाइए तबले वो विधानसभा में अंदर ना बैठिए। बोल उनकर एक एक हीड़ के हाल हमनी के जानता नहीं कि नीतीश कुमार कहाँ हुआ। तुरंत उठिए भीतर विधानसभा से, अपना लॉबी में जाइए ऑफिस में, वहाँ गांजा मरी है और फिर आके बैठिए। तो गांजा पी के बात करेगा नीतीश कुमार जी, उनका चीलम हाथ में रहेगा, उनका चांदी का चीलम नीतीश कुमार जी के, उनका हाल हम जानते नहीं। कौना कायदा, कौना विचार, कौना कर्म के आदमी बड़ा, नीतीश जी पर कोई विश्वास नहीं के, कोई वैल्यू नहीं के। आज हमने के धरना प्रदर्शन पर बैठल बनी जनता के।